MTHL जो अटल सेतु बनने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। और रायगढ़ का जो हम लोग बोल रहे हैं बहुत, मतलब 7 साल में मैं आया हूँ, इस टाइम प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा दिया, बहुत स्पेशियस है, एंट्रेंस बहुत अच्छा किया है। और अभी MTHL बनने के बाद, शुरू होने के बाद, तब तक जब तक बन रहा था तो हम लोग बोल रहे थे यार बनेगा MTHL, एयरपोर्ट बनेगा। अब लोग एक्सपीरियंस करें कि 15 मिनट में यहाँ से आप ऊपर की रोड से, तो 20 मिनट में आप सिवड़ी में उतर जाते हो, तो लोगों को एक एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छी तरह एक अच्छा पहला सी ब्रिज बन गया और बहुत एक्सेसिबल। मुंबई को जो 2-3 घंटे का ट्रैफिक था वो ख़त्म हो गया, तो अभी लोगों को यहाँ घर लेना ये आसान हो गया कि यार यहाँ से हम लोग मुंबई में काम भी करते हैं तो बहुत जल्दी आ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा था कि यहाँ जो भी जैसा पुष्पक नगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, द्रोणागिरि का अभी उरण रेलवे जो रुका होता शुरू होने से उरण के लिए द्रोणागिरि में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। हम लोग देखे क्या तलोजा से लेके नए बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डर आए हुए हैं और सारे घर बना रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड है। आज के दिनों में जितने लोग इंक्वायरी करते उनको बोला आज इस साल लेके रखो, आगे में ये अफोर्ड नहीं होएगा क्योंकि अगले साल जब एयरपोर्ट खुलता है तो इसके प्राइस आज जो 10-15% से ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं, अगले साल वो 30-40% बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा मनाया, बिल्डर्स का बहुत अप्रोच अच्छा लगा। या भी 1 BHK भी देते हैं लोगों के, अगर समझो अपने गरीब है जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए तो वहाँ भी अच्छे बाथरूम दे रहे, उस सोसाइटी में बहुत अच्छे अमीनेट देने की कोशिश कर रहे, तो ये बहुत सब अच्छा चल रहा है। और बिल्डर लोगों ने ठीक है आज तक ज़्यादा नहीं कमाया होगा, रेरा आया बहुत सारे ये थे, लेकिन अभी उनको भी अच्छा है, बहुत साइड विन विन सिचुएशन है। जो बायर अभी लेंगे उनको आगे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिलेगा, और बिल्डर लोग जो इतने कष्ट उठाए 7 साल में बहुत कोशिश किए, तो उनको भी इस साल में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। बहुत अच्छे घर बना रहे, बहुत अच्छे एलिवेशन दिख रहे, छोटे छोटे बिल्डर के भी स्टॉल देखे तो बहुत अच्छे उन्होंने बनाए हुए स्टॉल, और वहाँ जो क्या बेच रहे हो वो भी दिखा रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा अम्यूनिटी के साथ दे रहे। और कोविड के बाद आपको मालूम है कि लोग खुल के जी रहे हैं, अभी गोल्ड बिल बाकी का इन्वेस्टमेंट लैंड का छोड़ के घर अच्छे बना रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए भी, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी घर ले रहे, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और ये बहुत बीरियम का 7वां प्रदर्शन है, ये एक्सक्लूसिव है और ये नेक्स्ट जनरेशन का है। बहुत सारे लोगों की नई जनरेशन भी इसमें, नई जनरेशन काम करे इनके साथ, जो बिल्डर 25-30 साल से काम करे, तो नई उनकी जनरेशन है वो लंदन, US जहाँ जहाँ बाहर देशों से जो पढ़े हुए हैं वो बच्चे भी आके आज यूट्यूब आई का हो, इनका हो, सब सारे ज्वाइन हो चुके हैं। तो नया जनरेशन है, नई सोच है, नई टेक्नोलॉजी है बिल्डिंग बनाने की, और बहुत अच्छी तरह ये प्रदर्शन मेरे को लगा।